हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना चैनल वेक्टर ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि प्रीवियस क्लास में आपका पहला यूनिट का पहला चैप्टर आपका खत्म हो चुका है, ठीक है, जिसे मैंने एनसीईआरटी के भी सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। अगर आप हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो में जाए और वहां जाकर के जो पीछे वाला वीडियो है उसे देख ले, ताकि आगे का वीडियो देखने में आपको आसान हो जाए, ठीक है, समझने में क्या हो जाए, आसान हो जाए, क्लियर। तो दोस्तों, आज जो हम लोग शुरू करने वाले हैं वो है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युतीय विभव, विद्युत विभव हम लोग कहते हैं, क्लियर। तो दोस्तों, विद्युत विभव जानने से पहले एक बार, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा दें, ताकि आगे आने वाला जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं विद्युत विभव की ओर, ठीक है। तो विद्युत विभव क्या होता है, तो विद्युत विभव किसी आवेशित चालक की एक अवस्था होती है, ठीक है, किसी आवेशित चालक की एक अवस्था होती है। तो कहने का मतलब हो गया, सपोज ये आवेशित चालक है, ठीक है, तो इसका वह अवस्था जिसमें क्या होता है, कोई दूसरा चालक है, सपोज मान लीजिए ये कोई चालक है, ये आवेशित चालक है, ये भी आवेशित चालक है, तो यहाँ अगर किसी आवेशित चालक को हम लाते हैं तो इसकी वह अवस्था जिसके दौरान या तो आवेश इस आवेश से इसमें जाएगा, इस बॉडी से इसमें जाएगा, या इस बॉडी से इसमें जाएगा। कहने का मतलब है, किसी दूसरा आवेशित चालक को पहला आवेशित चालक के पास लाने से वैसी अवस्था जिसमें आवेश पहला बॉडी से दूसरा बॉडी में या दूसरा बॉडी से पहला बॉडी में जाता है, इस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं, क्लियर। अब अगर हम लोग दूसरा आवेशित चालक को यहाँ लाएंगे तो या तो ये इसमें आकर्षित होगा या प्रतिकर्षित होगा, क्योंकि सपोज मान लीजिए इसमें आपका प्लस चार्ज है, ठीक है, और जो अभी हम ला रहे हैं उसमें क्या है, आपका माइनस चार्ज है। तो जब हम लोग माइनस चार्ज वाले वस्तु को यहाँ लाएंगे, दोनों के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। सपोज हम दूसरा क्या लाए, प्लस चार्ज को लाएंगे, तो जब प्लस चार्ज को यहाँ लाएंगे तो दोनों के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो ये अवस्था है, तो आवेश किससे किस में जाएगा, इसी अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, विद्युत विभव हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग परिभाषा देखते हैं, तो परिभाषा में हम लोग क्या लिखेंगे, किसी एकांक टेस्ट चार्ज, एकांक का मतलब क्या है, यूनिट, और टेस्ट चार्ज, किसी यूनिट टेस्ट चार्ज को अनंत से, अनंत का मतलब आपको हम बता चुके थे, अनंत का मतलब क्या होता है कि अगर ये आपका आवेश है और यहाँ पर आपका यहाँ तक आकर्षण हो रहा है, यहाँ तक आकर्षण हो रहा है, अगर इसके बाद आकर्षण नहीं हो रहा था, जिस एरिया के बाद आकर्षण नहीं हो, तो वो सारा का सारा क्या है इसके लिए, अनंत बन जाता है, क्लियर। तो क्या बोला जा रहा है, अनंत से किसी यूनिट टेस्ट चार्ज, मतलब एकांक, ठीक है, एकांक टेस्ट चार्ज को लाने में ठीक है, जो कार्य करना पड़ेगा, कार्य तो करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ आपको लाएंगे दूसरा चार्ज को, तो ये क्या होगा, या तो आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा। अगर आकर्षण होगा तब भी इसको कंट्रोलिंग में लाना पड़ेगा, नहीं लाएंगे कंट्रोलिंग में तो ये अचानक इसमें चिपक जाएगा आकर। अगर प्रतिकर्षण होगा तब भी इसको कंट्रोलिंग में लाना पड़ेगा, अगर नहीं लाएंगे इसको तो ये क्या होगा, दूर भागने की कोशिश करेगा। तो कहने का मतलब, इस चार्ज के पास दूसरा चार्ज को लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत विभव बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, क्लियर। तो समझ में आ गया पोटेंशियल क्या होता है। अब क्या है, थोड़ा सा समझ लीजिए, पोटेंशियल जो होता है, पोटेंशियल को हम लोग भी से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, भी से दिखाते हैं, इसको हम लोग दिखाते हैं भी से, ठीक है। तो हम क्या बोले अभी आपको, कि डेफिनेशन आप लोग खुद से लिख लीजिएगा, क्या बोले, किसी, सपोज मान लीजिए यहां पर पहले से कोई चार्ज क्यू है, ठीक है, और यहां पर आपका यूनिट चार्ज है, यूनिट टेस्ट चार्ज है, जिसको उठा के हम ला रहे हैं। तो यहां से जब यहां लाया जाता है तो जो वर्क होता है, वर्क को हम लोग किससे दिखाते हैं, डब्ल्यू से दिखाते हैं। जो वर्क होता है किसके द्वारा, इसके द्वारा, इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। पोटेंशियल को किससे दिखाते हैं, भी से दिखाते हैं हम लोग, किससे दिखाते हैं, भी से। तो भी हम लोग को दिखाना है, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिखाना है, और क्या करने के लिए, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में किया गया कार्य। तो कार्य को हम लोग क्या कहते हैं, वर्क डन कहेंगे, किया गया कार्य यानी कि वर्क डन हो गया। और किसको, तो यूनिट टेस्ट चार्ज को लाने में। तो मान लीजिए टेस्ट चार्ज हम लोग लाए क्यू नॉट, तो भी इक्वल टू क्या आ गया, डब्ल्यू बाय
क्यू नॉट हो गया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। क्लियर। अब पोटेंशियल का बात करेंगे हम लोग, यूनिट का बात अगर हम लोग इसका करेंगे तो यूनिट क्या होगा, देखिए ऊपर में है वर्क, तो वर्क के लिए क्या होगा, जूल होगा। वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। और अगर चार्ज का बात करें तो चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। ये क्या हो गया, जूल पर कूलम हो गया, हो गया ना, इसका यूनिट क्या हो गया, जूल पर कूलम हो गया। ठीक है, तो यानी कि हम लोग कह सकते हैं पोटेंशियल का यूनिट क्या हो गया, जूल पर कूलम। जितना बात बता रहे हैं वो सारा चीज को कॉपी पे नोट कर लीजिएगा आराम से। ठीक है, अब क्या है, ये निकल गया आपका यूनिट। अब क्या होता है, एक जूल पर कूलम का अगर हम लोग बात करें, एक जूल पर कूलम का इसको हम लोग बोलते हैं वोल्ट। तो कहने का मतलब हो गया कि ऐसा यूनिट जूल पर कूलम भी हो जाएगा और ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, वोल्ट भी हो जाएगा। तो दोनों इसका क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा बात क्या है कि ये एक अदिश राशि है। अदिश का मतलब क्या बताए थे आपको, कि जिसमें ना तो डायरेक्शन होगा, सॉरी अदिश का मतलब क्या बताए थे, सिर्फ परिमाण होगा, दिशा नहीं होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अदिश राशि बोलेंगे। तो पोटेंशियल क्या होता है, एक अदिश राशि होता है। इसका यूनिट समझ में आ गया। अगर विमीय सूत्र की बात कहा जाए तो विमीय सूत्र क्या होगा, देख लीजिए विमीय सूत्र, तो ऊपर में क्या है, वर्क है ना, तो वर्क का विमीय सूत्र क्या होता है, एम एल टू टी माइनस टू, और नीचे में क्या है, चार्ज है ना, चार्ज के लिए हम लोग लिखते हैं आई टी। अब आई टी को एडजस्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम एल टू टी, यहाँ माइनस टू है, देखिए आई जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा माइनस वन, ये वाला टी ऊपर जाएगा तो ये भी हो जाएगा क्या, माइनस वन। दोनों को जब ऊपर लेके गए तो फाइनली आपके पास क्या आ जाएगा, एम एल टू, देखिए टी माइनस टू और टी माइनस वन, तो टी पे पावर कितना आ गया, माइनस थ्री, और आई का पावर कितना आ गया, माइनस वन। ये क्या आ गया, एम एल टू टी माइनस थ्री आई माइनस वन, ये हो गया आपका विमीय सूत्र। ठीक है, अब हम आपको लिखवा रहे हैं, आराम से लिख लीजिए। तो क्या आपका डेफिनेशन देख लीजिए, बोल रहा है किसी यूनिट टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में जो कार्य होता है, मैं बता चुके आपको, वही चीज लिखा है, किसी यूनिट टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी बिंदु पर लाने में जो कार्य होता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। क्लियर। इसको हम लोग किससे दिखाते हैं, भी से, इसे भी से सूचित किया जाता है। यदि किसी यूनिट टेस्ट चार्ज क्यू को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में किया गया कार्य का मान यदि डब्लू हो, हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क बाय टेस्ट चार्ज। तो वर्क के लिए W और टेस्ट चार्ज पे क्या दिखाएंगे, Q दिखाएंगे। अब अगर यहाँ पर देखेंगे तो वर्क के लिए हो गया जूल और इसके लिए क्या हो गया, चार्ज के लिए कूलम, तो हो गया क्या, जूल पर कूलम। तो ऐसा यूनिट क्या हो गया, जूल पर कूलम हो गया आपका। ठीक है, उसी प्रकार से एक जूल पर कूलम को हम लोग क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। हम लोग कह सकते हैं पोटेंशियल का ऐसा यूनिट जो होता है, यूनिट क्या होता है, वो वोल्ट भी होता है। यूनिट इसका वोल्ट में, तो याद रखिएगा पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट होता है। ठीक है, विमीय सूत्र की बात करें, अभी हम पीछे दिखाए थे क्या था विमीय सूत्र आपका, एम एल टू टी माइनस थ्री था आपका क्या, विमीय सूत्र। और अगर बात करें यह कैसा राशि है, तो ये एक अदिश राशि है। अदिश का मतलब क्या हो गया, स्केलर। ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होगा, दिशा नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, परिमाण होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अगला आपका क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर। देखिए विभवांतर नाम से ही आपको समझ में आएगा, विभव प्लस अंतर, मतलब विभव का अंतर। ठीक है, विभवांतर का मतलब है विभव का अंतर, मतलब दो बिंदु के बीच विभव के अंतर को हम लोग क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं। हम लोग लिखेंगे दो बिंदु के बीच विभव के अंतर को विभवांतर कहा जाता है। दो बिंदु के बीच विभव के अंतर को विभवांतर कहा जाता है। ठीक है, विभवांतर कहे या विभव कहे, देखिए देखिए अगर विभवांतर का बात करें तो मतलब क्या हो गया, एगो फाइनल वोल्टेज माइनस इनिशियल वोल्टेज, यानी कोई अंतिम वोल्टेज। सपोज मान लीजिए कि जीरो से लेकर के पांच वोल्ट तक अगर बात करें हम लोग, तो मतलब क्या हो गया, फाइनल वोल्टेज क्या, वी टू हो गया पांच वोल्ट और वी वन क्या हो गया, जीरो वोल्ट। तो विभवांतर क्या हो गया, वी टू माइनस वी वन, तो पांच माइनस जीरो क्या हो गया, पांच वोल्ट। तो चूंकि पांच जो आया ये क्या है, ये भी वोल्ट आया, तो हम लोग कह सकते हैं कि विभवांतर का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, वो भी वही होता है जो आपका विभव का होता है। मतलब हम लोग कह सकते हैं
विभवांतर का मात्रक जो होता है ये भी क्या होता है, वोल्ट ही होता है। तो याद रखिए विभवांतर का मात्रक भी क्या होता है आपका, वोल्ट होता है। दो नंबर का क्वेश्चन में आपसे पूछता है विभवांतर क्या है, क्लियर। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दूसरे दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वे भी आपके साथ घर में बैठ करके आराम से ट्वेल्थ का तैयारी कर सके, साथ ही मेडिकल इंजीनियरिंग या किसी भी तरह का तैयारी करना चाहते हैं तो आराम से कर सके। धन्यवाद।